नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। केंद्रीय उड्डयन मंत्री से सीएम साई की सकारात्मक भेंट, बिलासा एयरपोर्ट के लिए 5 करोड़ मंजूर। गांजा तस्करी में संलिप्तता, जीआरपी के एसपी ने 4 जवानों को किया बर्खास्त। थानेदार तोपसी लाइन अटैच, नायब तहसीलदार से मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप। और कलेक्टर का आदेश बेअसर, स्कूलों में मेन्यू का नहीं हो रहा पालन, स्कूल भवनों की हालत कमजोर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3CIFR कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम DVOR की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट के विकास और उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई। बिलासपुर का बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट जल्द ही नए लुक में अपनी पहचान बनाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसे आधुनिक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए शासन ने 5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एयरपोर्ट के कायाकल्प की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसे संभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के उन्नयन से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और काम की प्रगति का जायजा लिया। उनके साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर एन बिरेन और PWD के अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने बताया कि यह प्रोजेक्ट सरकार के प्राथमिकता में है। टेंडर प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी होगी और सभी कार्य अगले 6 महीनों में पूरे किए जाएंगे। एयरपोर्ट का नया डिजाइन स्मार्ट सिटी बिलासपुर द्वारा तैयार किया गया है। इसमें रनवे विस्तार, फायर सेफ्टी अपग्रेड, हाई मास्ट लाइटिंग और सेफ्टी टावर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर एन बिरेन का कहना है कि नए डिजाइन से एयरपोर्ट की क्षमता और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी। इससे बड़े विमानों की लैंडिंग भी संभव हो सकेगी। यह प्रोजेक्ट न केवल बिलासपुर के स्मार्ट सिटी बनने के सपने को मजबूत करेगा बल्कि क्षेत्र के यात्रा और व्यापार के अनुभव को भी बेहतर बनाएगा। एयरपोर्ट के इस कायाकल्प से संभाग के विकास की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। 6 महीने में इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है जो बिलासपुर को एक नई पहचान देगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बोदरी नगर पंचायत में इन दिनों बेजा कब्जाधारियों पर कार्यवाही चल रही है। इसके साथ ही एयरपोर्ट जाने सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान बिलहड SDM, बोदरी तहसीलदार, CMO और पुलिस बल मौजूद रहा। दुकानदारों द्वारा सड़क तक कब्जा जमाने से चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग बाधित होता है, आवागमन मुश्किल होने की शिकायतें भी मिल रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए बिलहा SDM के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई जिसने दुकानदारों पर कार्यवाही की। बिलहा SDM बजरंग वर्मा ने कहा है, कुछ लोगों को समझाइश देकर छोड़ दिया है, यदि फिर शिकायत मिलती है तो सामान जब्त किया जाएगा। चक्रबाटा और बोदरी में ये शुरू से समस्या रही है कि लोग यहाँ पे जो अपने अपने दुकान है उसके सामने सामान को बाहर रख देते हैं, जिससे कि जो कस्टमर आते हैं वो और पीछे अपनी गाड़ी रखते हैं और वो रोड तक गाड़ी आ जाती है। तो ट्रैफिक की समस्या शुरू से रही है और हमारे संज्ञान में था। इसलिए हम कल भी हमने कार्रवाई किया है और आज भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार हम इनको निर्देश दे रहे हैं कि आप आखिरी चेतावनी है, आप हटा लेंगे नहीं तो फिर हमको जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सामने इन्होंने छज्जा डाल के रखा हुआ है, सामान रखे हुए हैं, जिसकी जब्ती बनाई जाएगी। तो इन्हों सहयोग भी कर रहे हैं कुछ लोग और अपना सामान वापस रख रहे हैं।
कार्यवाही में बोधरी तहसीलदार संदीप साय, बोधरी नगर पंचायत की सीएमओ भारती साहू और पुलिस बल शामिल थे। अधिकारियों को देखते ही दुकानदारों ने अपना सामान सड़क से हटा लिया। यदि इसी तरह की कार्यवाही लगातार की जाती है तो दुकानदार सड़क पर कब्जा करने से डरेंगे और आवागमन करने वालों की दिक्कत दूर होगी। यह समस्या चकरभाटा एयरपोर्ट के बाईपास सड़क के पूरा नहीं होने से और भी बढ़ गई है। इससे बचने लोग मुख्य मार्ग से होकर एयरपोर्ट आना जाना करते हैं। लोक स्वर टीवी के लिए बिल्हा से धीरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। गांजा तस्करी मामले की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जीआरपी थाना बिलासपुर के पुलिसकर्मी सौरभ नागवंशी, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौर और लक्ष्मण गायन तस्करी में लिप्त थे। जांच में सामने आया कि इन पुलिसकर्मियों ने जब्तशुदा गांजा को आरोपियों के माध्यम से बेचकर पैसे का लेन देन किया। कानून का उल्लंघन करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में चारों आरक्षकों को पिछले महीने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था। उप पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन चारों पुलिस कर्मियों को 19 नवंबर 2024 को जनहित में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला पुलिस विभाग की छवि को गहरा धक्का पहुंचाने वाला है। तिफरा क्षेत्र में कई दिनों से बंद स्ट्रीट लाइट सुधारा जा रहा है। रात के समय सड़क पर अंधेरा पसर जाता है। इस दौरान वाहनों की तेज रोशनी से दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। शिकायत करने पर भी करीब 2 सप्ताह से सड़क पर लगे लाइट बंद रहे। अब जाकर नगर निगम और बिजली विभाग जागा है। बुधवार को सारा दिन तिफरा मेन रोड में स्ट्रीट लाइट के सुधार का कार्य चला। बस्तर जिले के करपावंड में पदस्थ नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र मिश्रा और उनके इंजीनियर भाई के साथ बिलासपुर पुलिस की कथित मारपीट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकंडा थाना प्रभारी तोपसी नवरंग को लाइन अटैच कर दिया है। इसके अलावा एसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। घटना के बाद छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जानकारों का कहना है यह घटना प्रशासन और पुलिस के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और प्रशासनिक संघ का विरोध किस हद तक जा सकता है। तहसीलदार संघ द्वारा, जो है कनिष्ठ तहसीलदार संघ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा, एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें थाना सरकंडा में दर्ज अपराध के संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ही और उनके निर्देशन पर जो है जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्हा थाना क्षेत्र के एक गाँव में नाबालिग को फल देने के बहाने अधेड़ ने दुष्कर्म का प्रयास किया। डरी सहमी बच्ची किसी तरह भाग कर अपने घर पहुंची और घटना से परिजनों को अवगत कराया। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इससे पहले कि आरोपी कहीं भाग पाता, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। आरोपी मोहनदास कोसले के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो के तहत कार्रवाई की है। बिल्हा से बिल्हा मोड़ 3 किलोमीटर सड़क खराब हो गई है। वाहनों के चलने से धूल गुब्बार उठता है। इससे आसपास के निवासियों और दुकानदारों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लगातार उड़ती धूल से स्थानीय लोग सांस और चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। इनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। कई दुकानदार दुकानों में ताला लगाकर दूसरे जगह जा चुके हैं। गंभीर समस्या की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रति नागरिकों में भारी रोष है। यह समस्या लोगों में बीमारी और आर्थिक संकट को भी बढ़ा रहा है। अगर जल्दी सड़क सुधार नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये सड़क बिल्हा से बिल्हा मोड़ तक सड़क से पूरी जर्जर हो गई है। कोई भी शासन प्रशासन इसे और ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग धूल से पूरा मर रहे हैं। सब दुकानदार यहाँ से बंद करते करते सब पलायन करते जा रहे हैं यहाँ से। बहुत समस्या हमको धूल से, बहुत परेशानी है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले के स्कूलों में मध्याह्न भोजन में घोर लापरवाही बरती जा रही है। तय मेन्यू के अनुसार बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक आहार देना है। मेन्यू के मुताबिक बुधवार को चावल, दाल फ्राई, आलू मटर या आलू चने की सब्जी के साथ अचार और पापड़ परोसा जाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हमारी टीम ने देखा कि इन स्कूलों में बच्चों को सिर्फ चावल, साधारण दाल और आलू की सब्जी दी जा रही है। इसमें आलू और सोयाबीन बड़ी शामिल किया जा रहा है। कई साल पहले जब प्रधान पाठकों के पास मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी थी, तब भोजन मेन्यू के अनुरूप मिलता था, लेकिन अब
महिला स्व सहायता समूह इसे संचालित कर रहा है। इन पर किसी प्रकार का विभागीय दबाव नहीं होने के कारण बच्चों की थाली में केवल सादा भोजन रह गया है। हमने जब ग्राम जलसो और पौंसरा के स्कूलों के संकुल समन्वयक से बात की तो उन्होंने इसे स्व सहायता समूहों की जिम्मेदारी बताया। उनका कहना था कि वे इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। स्थिति यह है कि विभागीय मेन्यू केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। मेन्यू हिसाब से हल्का फुल्का एकाक स्कूल में एकाक दिन चूक हो जाती है। मैं अक्सर अपने आर्ट स्कूल में निर्देशित किया हूं कि मेन्यू के आधार से खाना दिया जाए। धीरे धीरे उसमें सुधार आ रही है। बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने का उद्देश्य अगर पूरा नहीं हो रहा है तो यह बेहद गंभीर मुद्दा है। विभाग और प्रशासन को इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं बिल्हा ब्लॉक के ग्राम जलसो माध्यमिक स्कूल की, जहाँ बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। स्कूल में पानी की टंकी और पाइपलाइन कई महीनों से बंद है। हैंडपंप खराब है। यहाँ नल जल योजना के बिछाए पाइपलाइन से पानी नहीं आता। यही नहीं, स्कूल में लगे वॉश बेसिन और नल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। शौचालय की हालत इतनी दयनीय है कि बच्चों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस संबंध में स्कूल के शिक्षकों और संकुल प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्थिति सुधारने के लिए उच्च अधिकारियों और स्थानीय विधायक को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कई स्कूलों में किचन सेट, पानी और शौचालय की व्यवस्था जर्जर है। हमने हर 15 दिन 8 दिन में उनकी जानकारी शासन को दी जा रही है और लिखित रूप में दी जा रही है। कलेक्टर के दिशा निर्देशों के बावजूद स्कूलों की स्थिति जस की तस है। सवाल यह उठता है कि ऐसे हालात में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है और किस तरह वो शिक्षा ग्रहण करते होंगे। सवाल यह भी उठता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इन स्कूलों की हालत सुधारने के लिए प्रशासन कब जागेगा। क्या बच्चों को बेहतर भविष्य देने का सपना अधूरा रह जाएगा। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दूषित जल नहीं रोकने से अरपा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना साकार नहीं हो रहा है। पिछली सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन का दावा किया था, लेकिन शहर से निकलने वाला सीवरेज का पानी लगातार नदी में छोड़ा जा रहा है। रिवर व्यू रोड और तट संवर्धन के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाने का जरूरी काम अभी तक नहीं किया है, जबकि इस पर 100 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है। गंदा पानी अरपा नदी में समा कर इसे लगातार दूषित कर रहा है। जिला पंचायत में बुधवार को सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने की, जिसमें जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, विधायक, सांसद के प्रतिनिधि और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सीईओ संदीप अग्रवाल के निर्देश पर मीडिया को बैठक से दूर रखने गेट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई, ताकि मीडिया कर्मी अंदर प्रवेश ना कर सके। जनप्रतिनिधियों और जनहित के बीच किसकी दखल बढ़ गई है कि अब मीडिया कवरेज से ही परहेज किया जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि यदि बैठक में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो इसे सार्वजनिक करने परहेज क्यों किया जा रहा है। इस प्रकार की गोपनीयता प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। सालों पहले भूमिगत नाली निर्माण के समय बरती गई लापरवाही का शहरवासी आज तक खामियाजा भुगत रहे हैं। जराभाटा ओम नगर मार्ग पर सड़क से ऊंचे बनाए चैम्बर कई जगह धस गए हैं, जिससे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर लोग चोटिल हुए हैं। मंदिर चौक से भीतर की तरफ यह रास्ता राजीव गांधी चौक से मिलता है। इस आधा किलोमीटर सड़क की बदहाली दूर करने अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। चलने की मजबूरी के कारण लोग उफ कर रह जाते हैं। ऊंचे नीचे सीवरेज के चैम्बर से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। टिफरा थोक मंडी पहुंचने सड़क निर्माण पूरा होते ही पुलिस कॉलोनी में रहने वालों की उम्मीदें टूट गई। दरअसल मंडी के सामने ही पुलिस कॉलोनी है, जहां से लोग कच्ची सड़क से आना जाना करते हैं।
रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग तिफरा से मंडी के लिए ऊंचा और मजबूत सीसी रोड बनाया है। निर्माण के समय पुलिस परिवार उम्मीद कर रहे थे कि महज 100 मीटर की दूरी पाट कर उन्हें भी सड़क की सुविधा मिलेगी, लेकिन प्रावधान नहीं करने से आगे निर्माण नहीं किया गया। मायूस पुलिस कॉलोनी वासी एक अदत सड़क को तरस रहे हैं, वह भी 100 मीटर। ये बहुत दिन से खराब है सर, प्लस इसमें आना जाना होता है, पूरा हम परेशान है। बाकी तो कब से बने ही नहीं है, ये आधा बनाए हैं, 100 मीटर और बना देते हैं, थोड़ा सा और बनाएंगे तो पूरा एक कॉलोनी पहुंच जाएगा।